ओके स्टूडेंट, आज बीबीए टू के साथ लेक्चर है और लेक्चर आपका जो हम ले रहा था लास्ट टाइम वो था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर या क्लासेस ऑफ शेयर, शेयर की कितनी क्लासेस हैं। तो आज उसे आगे बात करेंगे क्लासेस ऑफ शेयर। टू टाइप्स ऑफ शेयर्स है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स है, एक है प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है। प्रेफरेंस शेयर से मुराद ऐसे शेयर हैं जिन पर आपने मेनली इंटरेस्ट जो है ना वो हर सूरत पे करना है। यानी टू टाइप्स ऑफ शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिन पर आपने इंटरेस्ट जो है वो हर हालत में पे करना है। इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, एक है इसमें कम्युनिटिव और एक है नॉन कम्युनिटिव। अब कम्युनिटिव शेयर्स वो शेयर्स हैं जिन पर आपने डिविडेंड हर सूरत में पे करना ही करना है। कॉम्पिटिटिव शेयर्स में क्या है, आपने डिविडेंड हर सूरत हर साल के एंड पे करना है। दूसरी टाइप में आ जाएगा आपके पास नॉन कॉम्पिटिटिव शेयर्स। इस पर डिविडेंड आपका साल के एंड पे बन जाता है, ड्यू हो जाता है अगर आप पे कर देते हैं, ओके। लेकिन अगर उस करंट ईयर में आप पे नहीं कर सकते तो फिर इसको पे करना, फिर ना पे करें आप। यानी प्रेफरेंस शेयर्स की टू टाइप्स हैं, एक कम्युनिटिव एक नॉन कम्युनिटिव। प्रेफरेंस शेयर से मुराद है कि इनको प्रेफर किया जाता है जब डिविडेंड दिया देना हो। ऑर्डिनरी शेयर्स आप उस पर शेयर दें, डिविडेंड उस पर दें या ना दें, कुछ ऐसा ड्यू कर लें, पोस्टपोन कर लें, बाद में उसको नहीं देते, लेकिन करंट ईयर में अगर नहीं देना चाहते ना दें उस पर। प्रेफरेंस शेयर में आपका डिविडेंड ड्यू हो जाता है। अब मैंने कहा था इसकी दो टाइप्स आ जाएंगी, एक तो आ जाती है इसकी कम्युनिटिव, एक आता है नॉन कम्युनिटिव। क्यूमुलेटिव के ऊपर आपने डिविडेंड ऑन एनी काइंड ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देन द राइट ऑफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स एक्युमुलेट अंटिल ऑल। हाँ, अगर आप एक साल के एंड पे नहीं कर सके, दूसरे साल में पे कर दें, दूसरे साल के एंड पे जाकर आपने जो है वो पे करने जा रहे, तो पहले साल का भी आपको साथ लगाकर देना पड़ेगा जितना पहले साल का बनता है, वो भी पे करेंगे और उस साल का करंट ईयर का, यानी लास्ट ईयर का भी पे करेंगे और करंट ईयर का भी, दोनों साल का ही पे करेंगे आप। ये है क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव के ऊपर आपने जो है वो एक साल का पे कर दिया, ओके, अगले साल का। लेकिन फर्स्ट करें कि आप इस साल का करंट ईयर का फर्स्ट करें 2019 का आप पे नहीं कर सके, आप 2020 का एंड आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है आपको पिछले साल का पे करने की, उसी साल का आप पे कर दें 2020 के एंड तक का जो है वो वन ईयर का, पिछले साल का आप छोड़ दें। अब आ जाए इसका दूसरा, इसकी दूसरी काइंड ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स आर ऑन शेयर ऑन विच डिविडेंड इज नॉट पेड एट फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट से पे नहीं होता इसका, सबसे पहली चीज क्या है, फिक्स्ड रेट नहीं है इसका। फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रिसीव द डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली आउट ऑफ प्रॉफिट earned by the company after the payment of fixed dividend on preference। हाँ, preference shares के बाद अगर dividend बच रहा था तो वो pay कर देते, अगर करना चाहे तो pay कर देते हैं उसके ऊपर, लेकिन इसका fixed rate कोई नहीं है। पहले preference की दोनों kinds को, उसके बाद ordinary की बारी आती है। अब आगे issuance of shares से क्या हम बात करें। issuance share क्या है, हमने बात तो की share के ऊपर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लें, उसके बाद कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। अब मैंने उस दिन कहा था कि प्रॉस्पेक्टस आपकी क्या है, एक इनविटेशन है कि जनरल पब्लिक को आपने इनवाइट करना है कि आए आकर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉस्पेक्टस के जरिए आप लोगों को इनवाइट करते हैं। आप प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा जाएगा, प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपका अगर इदारा नया है तो उसके जितने शेयर होल्डर आपके हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, आप डायरेक्टर सबसे पहले आप उनके बताएंगे कि डायरेक्टर कितने हैं और उनका जो बैकग्राउंड क्या है, कितने से कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो रही है, कंपनी का कोई पुराना इससे कोई लिंक अगर किसी के साथ है, या कंपनी अगर कोई बेस्ड कंपनी है, फर्स्ट करें इसने इससे पहले एक नई पुरानी कोई कंपनी स्टार्ट की, वहां से एक नई कंपनी की जो बुनियाद रखी, तो वो बताएं। अगर बिल्कुल फ्रेश कंपनी है तो वो भी अपना बताएगी सारे। तो उसके अंदर आपने प्रॉस्पेक्टस के अंदर आपने सारा अपना इंट्रोडक्शन देना है।
डायरेक्टर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, डायरेक्टर्स की एड्रेस क्या है, उनके जो है वो डेजिग्नेशन क्या थी, पुराना कहाँ पे उन्होंने काम किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, सारे का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने चलाना है, उसके लिए हर चीज़ उनके पास होनी चाहिए। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो अपनी प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो है ना वो मैंशन करेंगे। फिर जनरल पब्लिक को द इंटरेस्टेड पार्टीज डिपॉजिट अमाउंट ऑफ शेयर अलॉन्ग विद द फॉर्म अटैच्ड विद द प्रॉस्पेक्टस इनटू द बैंक। जितना भी आपने शेयर खरीदना है उस शेयर की मालियत उस फॉर्म के साथ जो फॉर्म प्रॉस्पेक्टस के साथ आपको अटैच हुआ मिले उसके ऊपर उसकी क्वांटिटी लिखें, उसका पैसा लिखें और उसको आप वापस जमा करवा दें बैंक के अंदर। बैंक अकाउंट आपको बता दिया जाएगा, बैंक बता दिया जाएगा आपके फलां बैंक से आपने जो है वो प्रॉस्पेक्टस ने फलां बैंक में आप इसको जो है वो डिपॉजिट करवा दें, इसको वहां पे जमा करवा दें, सबमिट करवा दें, उसका पैसा लिखा होगा, क्वांटिटी लिखी होगी, सारी की सारी चीजें आपने जो है वो बैंक में क्या करना है डिपॉजिट करवा देनी है। आफ्टर दिस द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉल्स द मीटिंग, उसके बाद एक मीटिंग कॉल होगी कि इतने हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन बैंक में आ गई है, पॉसिबल है एप्लीकेशन आपके पास ज्यादा आ जाए, ये भी है एप्लीकेशन आपके पास पूरी आ जाए, ये भी हो सकता है एप्लीकेशन आपके पास कम आए। अगर तो आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो उन एप्लीकेशन को क्या करें, वापस कर दें। अगर एप्लीकेशन आपके पास ज्यादा आ रही है तो उन एप्लीकेशन को क्या करें, आप वापस कर दें पब्लिक को जितनी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, ओवर सब्सक्राइब की आपके पास परमिशन ही नहीं है, आपके पास एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर मसलन आपने 10 लाख की शेयर मार्केट में इशू कर दी है, एप्लीकेशन 11 लाख की आ गई है, कैसे इशू कर सकते हैं कि लिमिट ही आपके पास 10 लाख है, तो 10 लाख ही आप जो है वो इशू कर सकते हैं उसके वाले नहीं। लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन 11 लाख की है, 12 लाख की है, 13 लाख की आ जाती है, 14 लाख की आ जाती है, परमिशन आपके पास फर्ज करें 15 लाख की होती है, एक्सेप्ट करें। अगर 15 लाख की आपके पास लिमिट है और अगर उस पर 12 लाख की या 13 लाख की एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है, वो वैसे ही अंडर सब्सक्राइब है। ओवर सब्सक्राइब तब है जब आपके पास 15 लाख की एप्लीकेशन आ जाए। मैंने 10 लाख की एग्जांपल दी थी कि 10 लाख तक है, चलें इसको 10 को बढ़ाकर 15 कर लें या 10 कर लें। अगर 10 की भी आपके पास लिमिट है तो 10 से ज्यादा आ रही है 11 लाख की, वो ओवर सब्सक्राइब है, 10 से कम की आ रही है 9 लाख की आ रही है, वो अंडर सब्सक्राइब है। फुल सब्सक्राइब क्या होगा, अगर 10 की एप्लीकेशन आपको लिमिट है तो 10 आ रही है आपके पास, तो वो आपके पास क्या है फुल सब्सक्राइब होगी, सालों को इशू कर दिया। अच्छा, इन दैट केस के